देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि पिछले सप्ताह की तुलना में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कोविड मामलों में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 7 महीनों में पहली बार मामलों की संख्या 800 को पार कर गई। आंकड़ों के अनुसार JN.1 की वजह से कोरोना के मामलों में उछाल पूरे देश में रहा। JN.1 वेरिएंट संक्रमण पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। केरल में मौजूदा चरण में सबसे अधिक संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में शनिवार को समाप्त सप्ताह के दौरान 4,652 ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 7 दिनों में यह संख्या 3,818 थी। सप्ताह में वायरस से 17 से बढ़कर 29 मौतें हुई हैं। शनिवार को 3 मौतों के साथ डेली मामलों की संख्या बढ़कर 841 हो गई है, जो कि इस साल 18 मई के बाद सबसे अधिक है। जहां केरल में मामले कम हो रहे हैं, वहीं देश के कई अन्य राज्यों में, विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। केरल के अलावा कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां डेली मामलों की संख्या 100 से ऊपर हो गई है। कर्नाटक ने सप्ताह में 922 ताजा मामले दर्ज किए, जो कि 3 गुना से भी अधिक है। पिछले 7 दिनों में 309 मामले सामने आए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी मामले पिछले सप्ताह के 103 से बढ़कर 620 हो गए हैं। यह इंगित करता है कि नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN.1 पूरे देश में फैल रहा है। गौरतलब हो कि JN.1 एक कोविड वायरस है, जो कि फ्लू जैसे सिंड्रोम्स का कारण बनता है। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, नाक बहना जैसे लक्षण शामिल हैं। यह लक्षण श्वसन वायरल संक्रमण का संकेत देते हैं। लक्षण सामान्य हैं, लेकिन अगर 2 दिन से भी अधिक समय तक बने रहते हैं, या फिर बुखार ज्यादा है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में यदि आप हाई रिस्क वाले ग्रुप में हैं, तो आपको अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किडनी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।